जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है डोंटो मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम डोंटो मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डोंटो मूवी की कहानी के ऊपर। तो एशिया पर कब्जा जमाने के बाद डॉन यानी शाहरुख खान की निगाह अब यूरोप पर है। इसके लिए उसे वरदान यानी बोमन ईरानी की सहायता चाहिए, जो मलेशिया के जेल में बंद है। इंटरपोल के डिटेक्टिव मलिक और रोमा यानी प्रियंका चोपड़ा के साथ सामने डॉन आत्मसमर्पण कर उसकी जेल में जाता है, जहां वरदान है। वरदान और डॉन के पास एक एक चाबी है, जिसके जरिए एक लॉकर खुलता है। उस लॉकर में एक टेप है, जिसकी सहायता से डॉन जेके दीवार और बर्लिन बैंक के प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करना चाहता है। डॉन और वरदान जेल से भाग निकलते हैं। दोनों जेके दीवार को टेप दिखाकर बैग में रखी यूरो करेंसी छापने की प्लेट्स का एक्सेस कोड चाहते हैं। डॉन उन प्लेट्स की सहायता से यूरो छापकर अमीर बनना चाहता है। दीवान जब्बार यानी नवाज शाह नाम के गुंडे को डॉन को ख़त्म करने की जिम्मेदारी सौंपता है, लेकिन डॉन उसे अपने साथ मिला लेता है। एक्सेस कोड पाने के बाद डॉन को ऐसे तकनीशियन की ज़रूरत पड़ती है जो कंप्यूटर हैकर हो, जो भारी सुरक्षा में रखे प्लेट्स को चुराने में उसकी मदद कर सके। समीर अली को वह अपने साथ मिलाता है और प्लेट्स चुराने में कामयाब होता है। प्लेट्स पाते ही जब्बार और वर्धन मिल जाते हैं और डॉन से वे प्लेट्स ले लेते हैं। समीर भी पुलिस को बुलाकर डॉन को पकड़वा देता है, लेकिन शातिर दिमाग डॉन के इरादे कुछ और ही है। इसके बाद शुरू होता है डॉन का ज़बरदस्त खेल। फिल्म के पहले हाफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, इसलिए कहीं कहीं फिल्म खींची हुई और बोर लगती है। इस हाफ में डॉन और वर्धन का जेल से भागना, जब्बार द्वारा पीछा करने पर डॉन का बिल्डिंग से कूद जाना तथा डॉन और रोमा का कार चेजिंग सीन उम्दा बन पड़ा है। फिल्म स्पीड पकड़ती है सेकेंड हाफ में, जब बनाया गया प्लान पर एक्शन लिया जाता है। इंटरवल के थोड़ी देर बाद ही क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है, जो फिल्म के ख़त्म होने तक चलता है। इसमें डॉन और उसके साथी प्लेट्स चुराने के लिए बैंक में जाते हैं। यहाँ पर वर्धन और जब्बार का डॉन के खिलाफ हो जाना चौंकाता है। कई रहस्य उजागर होते हैं जो फिल्म को दिलचस्प बना देते हैं। फरहान अख्तर ने स्टाइलिश तरीके से कहानी को पर्दे पर पेश किया है। मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की लोकेशन का उन्होंने बखूबी उपयोग किया है। डॉन का किरदार उन्होंने कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है कि नकारात्मक होने के बावजूद दर्शकों का समर्थन मिलता है। डॉन जब पुलिस की पकड़ से निकलता है तो उन्हें खुशी मिलती है। फिल्म सिंगल ट्रैक पर चलती है और रोमांस या कॉमेडी की ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं थी। अंतिम रीलों में रोमा और डॉन की नोकझोंक अच्छी लगती है। फिल्म की लंबाई पर फरहान नियंत्रण रखते और फर्स्ट हाफ बेहतर बनाते तो बात ही कुछ और होती।